हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई मीता बिश्नोई। ये मैं आपको एक समर फ्लावरिंग प्लांट दिखा रही हूँ जो कि पेरिनियल वाइन है। वाइन मतलब ये क्रीपर टाइप की है, ये चढ़ती है ऊपर, मगर ये सपोर्ट मांगती है। इसके लिए ट्रेलिस तैयार करना पड़ता है और इसका नाम है क्लेमेटिस। और वाइट कलर के खूब सुंदर फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर्स आते हैं। ये देखिए, एक एक स्टॉक के एंड में देखिए कितनी सारे बर्ड्स और कितने फ्लावर्स हैं। और ये रात को भी बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं क्योंकि ये वाइटिश कलर में होते हैं। ये देखिए कितने सारे फ्लावर्स हैं इसके, खूब सारी बर्ड्स आती हैं और बहुत फ्लावरिंग होती है। और इसकी भीनी भीनी खुशबू इतनी अच्छी लगती है, अगर इसके पास अगर आप बैठे हो तो आपको उठने का मन नहीं करेगा, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आती है। मगर आपको इसको ट्रेन करने के लिए डिपेंड करेगा आप कहाँ उगाना चाहते हैं इसको, वेयर डू यू वॉन्ट इट टू ग्रो। अगर आप ग्राउंड में लगाते हैं तो ग्राउंड से आप सपोर्ट देके थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको पॉट में लगाते हैं तो पॉट में एक ट्रेलिस तैयार करना पड़ेगा जिसके अंदर ये रह सकता है, क्योंकि ये क्लिंग नहीं करता, इसका क्रीपर क्लिंग नहीं करता है। जैसे हम लोग अगर उसमें लगाते हैं मनी प्लांट मॉस्टिक में लगाते हैं तो उसकी जो रूट्स हैं वो मॉस्टिक के अंदर जाके स्टिक कर जाती हैं और उससे न्यूट्रिशन भी लेती रहती है, पानी वानी जो भी चीज़ चाहिए उससे मिल जाता है। मगर इसमें ये वाइन ऐसी है जो कि सपोर्ट मांगती है, हेल्प मांगती है टू कंट्रोल इट। तो ये पेड़ के ऊपर भी चढ़ जाती हैं वैसे, मगर तब पेड़ों के बीच में छिप जाती हैं। तो अगर पॉट में लगाते हैं तो इस टाइप का ट्रेलिस बना सकते हैं। देखिए ये वुडन 3 या 4 इसके स्टॉक्स लगा दीजिए और ये वायरिंग कर दीजिए थोड़ी सी। मैं और एक भी आपको दिखाती हूँ जो मैंने गार्लिक वाइन के लिए, ये तो ट्रेलिस हैंडमेड है, वो वाला मैंने रेडीमेड लिया था। वो ग्रीन कलर के प्लास्टिक कवर्स में आता है, वायर के अंदर ही होता है, मगर वो रेडीमेड ट्रेलिस होता है। उसमें 3 रिंग्स होते हैं जनरली 3 होते हैं, एक नीचे रिंग होता है, ऊपर रिंग होता है, थर्ड रिंग होता है, और सपोर्ट करने के लिए 3 वायर्स या थोड़े स्ट्रॉन्ग वायर्स होते हैं। तो वो इसके कंटेनर के अंदर ऐसे लगा देते हैं, वो ट्रेल करती है सारी जितने रेडीमेड ट्रेलिस है। ये यहाँ देखिए एक और रिंग है, ये एक थर्ड रिंग है, और ये इससे वायर्स से अटैच्ड ऐसे करके, देखिए ये ऐसे करके अटैच्ड है, ये करती है सारी जितनी वाइन है। तो ये आप अपने आप भी बना सकते हैं DIY, और अगर चाहें तो आपको रेडीमेड भी मिल सकता है। तो ये हो गया इसकी पोजीशनिंग या इसको कैसे रखेंगे आप, ताकि फ्लावरिंग जब हो तो बहुत ब्यूटीफुल लगे। जब फ्लावरिंग नहीं भी होती है, ये समर्स में फ्लावर करते हैं, और रेनी सीजन होते ही इसमें इतनी बर्ड्स आ जाती हैं और खूब फ्लावर्स आते हैं फ्रेग्रेंस वाले। और अगर जैसे विंटर्स होते हैं, विंटर्स में आपको इसको थोड़ा सा अंदर रखना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड में थोड़ी इसकी लीव्स ब्राउनिश कलर में हो जाती हैं और थोड़ी विल्ट करने लगती हैं, तो ये अंदर का एनवायरनमेंट चाहता है। और अगर आपके पॉट में है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और ग्रीन ग्रीन वाइन वैसे भी बहुत ब्यूटीफुल लगती है। अब इसके लिए देखते हैं कि कैसा इसको सन कैसा चाहिए। ये फ्लावरिंग प्लांट है तो इट नीड्स एटलीस्ट 6 to 7 hours ऑफ सनलाइट, इसको सनलाइट चाहिए। बिना सनलाइट के इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी और कम होगी। तो इसको सन में रखिए, और बहुत ज़्यादा स्कॉचिंग सन जब हो जाता है तब इस पॉट को आप थोड़ा सा शेड में रख सकते हैं। और इसके जो पॉटिंग सॉइल है इसको वेल ड्रेन्ड रख के इसको मॉइस्ट रखना चाहिए, किसी भी तरह इसको मॉइस्ट रहना चाहिए, एकदम ड्राई नहीं होना चाहिए। तो मॉइस्ट रखने का एक तरीका है कि आपने डबल कंटेनर्स रखिए, नीचे थोड़ा पानी हो तो ऊपर से कैपिलरी एक्शन से ऊपर आता रहे पानी, और या फिर आप प्लांट के क्लस्टर में भी रख सकते हैं जो एक दूसरे को मॉइस्चर प्रोवाइड करते रहते हैं। और इसका कंटेनर बेस्ट रहता है जैसे ये टेराकोटा का है, पानी इसमें देंगे, स्प्रे करेंगे तो ये भी बहुत देर तक वेट रहता है। मेरा ये प्लास्टिक का है, मैं इसको चेंज करूँगी। ये मेरे को वैसे खुद को पर्सनली
सारे ये वाले पसंद है, टेराकोटा वाला। देखिए जितने भी हैं सब टेराकोटा है, जितने भी हैं सब टेराकोटा है। इनका एडवांटेज होता है ये ब्रीद ब्रीद करने देते हैं प्लांट को, और बड़े बड़े पॉट्स भी सब टेराकोटा ही है जनरली, एक दो को छोड़ के। अब मैं एक दो भी जो है वो मेरे को पसंद नहीं आ रहे, वो भी मैं उनको चेंज करूँगी, और अभी इसको एकदम नहीं छेड़ूंगी क्योंकि इसमें बहुत फ्लावरिंग हुई हुई है। ये देखिए बहुत अच्छा पॉलिनेटर भी है, बीज हनी भी सब कुछ आ रही है, क्योंकि इसमें फ्रेग्रेंस भी है, और ये देखिए कितनी सारी बीज आ रही है इसमें। और उसकी वजह से ये प्लांट घर में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ये बीज बटरफ्लाई सब कुछ अट्रैक्ट करता है। तो ये आपका इन्फेस्टेशन खास इसमें होता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा वो केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर जब फ्लावरिंग होती है तब ये ध्यान रखिए कि इसको आप थोड़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र में, मैं क्या देती हूँ मोस्टली काउडंग मैन्योर जो सूखा होता है उसको भिगो के, उसका जो वाटर निकलता है दो दिन बाद उसको स्ट्रेन करके उसको डाइल्यूट करके वो देना शुरू कर देती हूँ समर्स में, हर 15 दिन में या महीने में रिम से, वो हेल्प करता है इसको फ्लावरिंग करने में भी, वो बेस्ट फर्टिलाइज़र है इसके लिए। काउडंग सूखा वाला एकदम काउडंग मैन्योर को आप करीब इतना भर के, दो मुट्ठी भर के पानी में डिप करिए, दो दिन छोड़ दीजिए, थोड़ा फर्मेंट होगा तो उसको उसका पानी जो है वो पौधों में डाल दीजिए। जितने फ्लावरिंग प्लांट हैं, चाहे एक्सोरा है चाहे ये है, सब में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो जाती है, गार्लिक वाइन में भी वो ज़रूर देना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।